नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। आज है 29 जुलाई, दिन है बुधवार। सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं बक्सर जिले के सुर्खियों पर। बक्सर में कोरोना संक्रमण की कुल संख्या पहुंच गई 835। जिला स्वास्थ्य समिति ने जारी किए कोरोना से बचाव की दवा किट और उसे खाने की विधि। डीएम ने आइसोलेशन सेंटर्स को कोविड केयर हॉस्पिटल के रूप में विकसित करने की पहल की। मनोहरपुर के समीप संपत्ति के लोभ में किया गया था साधु के निवास वाले व्यक्ति की हत्या। ब्रह्मपुर प्रखंड में सचिव के पद पर तैनात डुमराओं निवासी श्याम किशोर सिंह लापता। नया भोजपुर पुलिस ने 6 ग्राम हीरोइन के साथ किया 2 तस्करों को गिरफ्तार। डुमराओं निवासी असम में तैनात 50 वर्षीय बीएसएफ के जवान ददन कुंवर की हुई आकस्मिक मृत्यु। बक्सर के कृतपुरा में एक गड्ढे में गिर जाने के कारण एक गाय की हुई मृत्यु। बहराई में फंसे हुए जिले के कुछ लोगों ने वहां से वीडियो बनाकर किया वायरल। पूरे एहतियात के साथ पुराना भोजपुर में मनाया गया माँ काली का वार्षिक पूजनोत्सव। तो आइए अब खबरों को बताते हैं आपको विस्तार से। सबसे पहले आप सभी को कोरोना अपडेट से परिचित करा दूं कि हमारे ज़िले में संक्रमण की कुल संख्या 835 पहुंच गई है। इनमें से 448 लोगों ने रिकवरी किया है, जबकि अभी भी हमारे यहाँ एक्टिव केसेज की संख्या 387 है, जो कि चीन के कुल एक्टिव संख्या से कहीं ज़्यादा है। अभी तक हमारे ज़िले में कोरोना पॉजिटिव होने के कारण 2 लोगों का डेथ भी हुआ है। ज़िले में बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए पूरे ज़िले में एहतियात बरती जा रही है। हर प्रकार के प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है। तुरंत जो पॉजिटिव आ रहे हैं या तो उनको आइसोलेट किया जा रहा है या फिर उनको होम आइसोलेशन पर छोड़ा जा रहा है। इसके बावजूद होम आइसोलेशन वाले कुछ जगहों से ऐसी खबरें आ रही है कि लोग पूरी तरीके से सतर्कता नहीं बरत रहे हैं, बल्कि वो बाहर भी निकल रहे हैं, लोगों से मुलाकातें भी कर रहे हैं और मार्केट वगैरह में घूम रहे हैं, जो कि आने वाले समय को और ज़्यादा संकटकालीन बना सकता है। अतः होम आइसोलेशन वाले व्यक्तियों से एक बार फिर हमारा रिक्वेस्ट होगा कि आप अपने आप को अपने घर के दहलीज तक सीमित रखें, अन्यथा ये संक्रमण और ज़्यादा बढ़ते जाएगा। इस पर प्रशासन को भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि जिन लोगों को आप लोगों ने होम आइसोलेशन पर छोड़ा है उन पर पूरी निगरानी रखें। खबरों को आगे बढ़ाते मैं आपको बताना चाहूँगा कि चूंकि कोरोना का कोई इलाज नहीं, इसके बावजूद कोरोना से जो रिकवरी हो रही है, कहीं ना कहीं लोगों का वो प्रिकॉशन उनको रिकवरी तक पहुँचा रहा है, या फिर शरीर में धीरे धीरे कई दर्शकों ने भी बताया कि हमारे शरीर में धीरे धीरे कोरोना वायरस का एंटीबॉडी तैयार हो जाता है, जो कि कोरोना को रेजिस्ट करता है। एक और चीज़, ठीक होने का जो मेन कारण है वो हमारा बॉडी का फिजिकली फिट होना। यदि हम फिजिकली फिट रहते हैं, अच्छे तरीके से भोजन का सेवन करते हैं, पौष्टिक आहार का सेवन करते हैं, विटामिन्स लेते हैं, तो हमारा शरीर कोरोना से फाइट करने के योग्य होता है। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए ज़िला स्वास्थ्य समिति ने कोरोना से बचाव के लिए लोगों के सामने एक मेडिकल किट भी जारी किया है। इन दवाओं के नाम जो जारी किया गया है, इनका सेवन करके आप अपने आप को कोरोना से बचाव कर सकते हैं। आप एहतियात बरतें और प्रशासन के द्वारा और ज़िला स्वास्थ्य समिति के द्वारा बताए गए इन दवाओं का सेवन आप अवश्य करें। इस बीच हम आपको बताना चाहेंगे कि जो आइसोलेशन सेंटर्स थे वहाँ पर मरीजों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी हो रही थी और वहाँ पर मौजूद चिकित्सक दल हमेशा मरीजों से ये कहा करते थे कि ये आइसोलेशन सेंटर है, यहाँ पर चिकित्सा की कोई खास व्यवस्था नहीं है। इस विषय को ध्यान में रखते हुए मैंने कई बार ये मुद्दा उठाया भी था अपने चैनल के माध्यम से। हमारे बक्सर के जिलाधिकारी ने यह तय किया है कि आइसोलेशन सेंटर्स को अब कोविड केयर हॉस्पिटल के रूप में विकसित किया जाएगा, जैसे कि अन्य डेवलप्ड जो स्टेट्स हैं जहां पर मेट्रो सिटीज़ है वहां पर कोविड केयर हॉस्पिटल चल रहे हैं, उस तर्ज पर बक्सर जिलाधिकारी ने हमारे बक्सर ज़िले में भी कोविड केयर हॉस्पिटल को विकसित करने का डिसीजन किया है। खबरों को आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको एक रोज़ पहले यह खबर दी थी कि राजपुर के मनोहरपुर के समीप सड़क पर मोपेड के साथ एक वृद्ध व्यक्ति गिरे हुए थे, जो कि साधु के निवास में थे, जिनकी मृत्यु का पता नहीं चला था, उनका डेथ हो गया है। कारण का पता लगाने की कोशिश की गई तो कुछ ही घंटों में पुलिस ने इस मामले को उजागर कर दिया कि वो एक फौजी थे, उनकी उम्र लगभग 65 वर्ष थी, वो राजपुर के जैतपुरा के निवासी थे, उनकी 2 पुत्रियाँ भी हैं। वो कहीं जा रहे थे कार्यवश, रास्ते में 2 लोगों ने उनको रोकने की कोशिश की, जब वो नहीं रुके तो उनमें से एक व्यक्ति ने लोहे की रॉड से उनके सिर पर हमला कर दिया, जिसके कारण वो ज़मीन पर उसी वक्त गिर पड़े अपने मोपेड के साथ और उनका आगे डेथ हो गया। संपत्ति के लोभ में आकर की गई हत्या का मामला ये बताया जा रहा है। यह अत्यंत दुखद है। वो एक फौजी थे, फौजी का सम्मान करना केवल इसलिए क्योंकि उनको पेंशन मिलता है और उनके नाम पर कुछ संपत्ति है, इसलिए अगर हत्या कर दिया गया तो यह निश्चित तौर पर दुखद है। उनकी 2 पुत्रियां हैं, ईश्वर उन्हें साहस दे, अपने पिता के बगैर वो अपनी ज़िंदगी को जीने की हिम्मत प्रदान करें और शोक संतृप्त परिवार के साथ हमारी पूरी संवेदनाएं हैं।
आगे बढ़ेंगे, हम आपको बताना चाहेंगे कि ब्रह्मपुर प्रखंड सचिव के पद पर तैनात डुमराव के निवासी टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल के बगल के रहने वाले श्याम किशोर सिंह कल से लापता है। एक्चुअली वो ड्यूटी पर गए थे, घर वाले उनके आने का प्रतीक्षा कर रहे थे, पूरा दिन उन लोगों ने प्रतीक्षा किया, लेकिन जब शाम तक वो लौटकर घर नहीं आए तब घर वालों को परेशानी हुई। उनके पुत्र पुलिस थाने में जाकर शिकायत की, उनके मोबाइल की ट्रेसिंग की गई, मोबाइल उनका स्विच ऑफ आ रहा है। अभी तक जब तक ये खबर छपी थी तब तक लोग वो अपने घर लौटकर नहीं आए हैं। पुलिस प्रयास कर रही है, घर वाले अपने माध्यम से प्रयास कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वो घर पर लौट कर आएंगे, कोई अनहोनी ना हो ऐसी हम आशा करते हैं। खबरों को आगे बढ़ाते मैं आपको बताना चाहूँगा कि नया भोजपुर पुलिस ने 6 ग्राम हीरोइन के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ओपी प्रभारी राजीव रंजन रॉय ने ये खबर दी कि डीके कॉलेज डुमराव के समीप कुछ तस्कर हीरोइन के साथ घूम रहे थे। गुप्त सूचना के आधार पर ओपी के पुलिस ने वहां पर छापेमारी की और 2 तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से न केवल मोटरसाइकिल बल्कि 6 ग्राम हीरोइन भी बरामद हुआ, जिसकी कीमत लाखों में है। इस प्रकार से हीरोइन तस्करों पर लगातार हमारी पुलिस शिकंजा कसे हुए है, उनको उन पर लगातार छापेमारी की जा रही है। पिछले कई दिनों पहले भी ऐसी खबरें आई थी जब गांजा और हीरोइन के साथ कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। एक दुखद खबर आ रही है कि हमारे देश के एक नौजवान जो कि हमारे बक्सर ज़िले के सिमरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत डुमरी गांव के निवासी थे, जो कि 50 वर्षीय थे, उनका नाम ददन कुंवर बताया जा रहा है, उनकी असम में तैनाती थी, कारण उनके आकस्मिक मृत्यु हो गई। उनका पार्थिव शरीर उनके गांव पर पहुंचाया गया, गांव में पूरा माहौल गम का था, लोग शोकाकुल थे अपने देश के एक नौजवान को खोकर। एक ऐसा नौजवान जो देश की सरहद की हिफाजत करने के लिए BSF में तैनात थे, असम में उनकी पोस्टिंग थी। उनका पार्थिव शरीर आने के बाद उनके घर में काफ़ी ज़्यादा दुख का माहौल देखा गया, लोग बहुत सारे लोग वहाँ पर पहुँचे हुए थे, सम्मानित जन भी वहाँ पर पहुँचे थे, गांव के तमाम प्रतिष्ठित लोग, इलाके के तमाम प्रतिष्ठित लोग वहाँ पर पहुँचकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरे राजकीय सम्मान के साथ गार्ड ऑफ ऑनर देकर बक्सर के चरित्र वन घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। परिवार वालों को हिम्मत मिले, जिस परिवार ने अपने घर के एक पुरुष सदस्य को खो दिया, एक देश के नौजवान को खो दिया, एक देश के सिपाही को खो दिया, भगवान उस परिवार को हिम्मत दे, सहनशीलता दे और दुख की इस घड़ी में उनको बहुत ही अधिक संयम बरतने की शक्ति दे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि दिवंगत आत्मा को शांति मिले, और उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, इसलिए हमारा ये ज़िला उनकी इस कुर्बानी पर हमेशा फख्र करेगा। आगे बढ़ते हैं, बक्सर के कीर्तपुरा से एक दुखद घटना निकल कर आ रही है। किसी मोबाइल कंपनी के लिए गड्ढा खोदा गया था, काफ़ी बड़ा गड्ढा था, उसको ढका नहीं गया था, ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है। गाय वहाँ से गुजर रही थी, उसका पैर फिसल जाने के कारण वो गाय उस गड्ढे में गिर गई। गड्ढे में गिर जाने के कारण उस गाय की मृत्यु हो गई। वह गाय बताया जा रहा है कि गांव के ही किसान हृदय नारायण की थी। जब उस गाय की मृत्यु हो गई तो अब उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो गया, JCB की सहायता से बड़ी मुश्किल से उस गाय को बाहर निकाला गया। लेकिन इस प्रकार मोबाइल कंपनियां जो सड़क के किनारे गड्ढों को खोदकर छोड़ देती है, या निश्चित तौर पर लापरवाही का जो संकेत कर रहा है, ऐसे मोबाइल कंपनियों के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए और उनको पूरी एहतियात बरतनी चाहिए कि जब गड्ढा खोदे तो उसको ढकने का व्यवस्था करें। किसी भी जगह पर गड्ढा खोदकर लंबे समय तक छोड़ देना निश्चित तौर पर ऐसी अनहोनी घटनाओं को आमंत्रित करता है। एक और खबर आ रही है कि बहराइन में हमारे ज़िले और हमारे देश के कुछ अन्य ज़िलों के लोग कार्य करते हैं। ओरलैंडो तथा अल कवरियर कंपनी में वो लोग कार्यरत हैं। उनका ये कहना है कि 7 महीनों से उनको वेतन नहीं दिया जा रहा है, बड़ी मुश्किल से वो लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है, जिस वीडियो के माध्यम से उन लोगों ने अपने देश से और अपने एम्बेसी से अपील की है कि उनकी सहायता की जाए। ऐसी परिस्थिति में कंपनी उनको पैसा नहीं दे रही है, खाने पीने की समस्याएं उनको उत्पन्न हो गई है, बहुत सारी बातें उन्होंने कही है। हम आशा करते हैं कि हमारे देश का दूतावास उनकी सहायता करेगा और उनको सुरक्षित अपने मुल्क में वापस ले आएगा। खबरों को आगे बढ़ाते मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुराना भोजपुर में कल माँ काली का वार्षिक पूजनोत्सव मनाया जाना था। हर वर्ष वार्षिक पूजनोत्सव पुराना भोजपुर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष महामारी के कारण पुराना भोजपुर के मंदिर प्रशासन ने और पुराना भोजपुर के लोगों ने यह निर्णय किया कि अभी संकट का दौर है, महामारी का दौर है, इसलिए भीड़ इकट्ठा नहीं किया जाएगा। और मंदिर प्रशासन ने पूरे एहतियात के साथ बगैर किसी भीड़ को इकट्ठा किए, केवल बड़ी सादगी के साथ माँ काली के पूजनोत्सव को सम्पन्न कराया। जो वहाँ पर धार्मिक संस्कार थे उसकी पूर्ति की गई मंदिर के पुजारी के द्वारा और वहाँ पर उपस्थित समिति के लोगों के द्वारा। इस दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया, लोगों ने मास्क लगाए रखे ताकि किसी भी प्रकार के संक्रमण को न्योता न दें। और हमारी ये जिम्मेदारी है कि हर धार्मिक कार्य में भी हम अपने
इस संक्रमण को जरूर देखें, संक्रमण की गंभीरता को समझें। धार्मिक क्रियाकलापों को हम जीवन में हमेशा करेंगे, लेकिन पहले हमारा जीवन बचना जरूरी है। और पुराना भोजपुर के लोगों के इस पहल की मैं सराहना करता हूँ कि आप लोगों ने इस प्रकार के भीड़ न इकट्ठा करने का आपने डिसीजन किया और अपने धार्मिक कार्यक्रम को भी बड़े सादगी से मनाया। ये हमारे बक्सर ज़िले का अपडेट है, मैंने आपको बताया। मैं एक बार फिर से आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि कोरोना काल चल रहा है, इसमें आप अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखें, अपने घर के बड़े बुजुर्गों का पूरा ख्याल रखें, छोटे बच्चों का भी ध्यान रखें। आप किसी अजनबी या किसी दूसरे व्यक्ति से ना मिलें, ना बातें करें, ना क्लोज जाकर कॉन्टैक्ट में हैं, नहीं तो आप अपने परिवार के व्यक्ति को भी संक्रमित कर सकते हैं। इस कोरोना काल में आप सकुशल रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना से बचे रहें, ऐसी हमारी कामना है। आप हमारे साथ बने हुए हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।